शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल तरोड़ी पुलिस द्वारा डकैती के फिराक में बैठे चार आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। रात के दौरान एक सुनसान इमारत में बैठकर डकैती की तैयारी करते हुए चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आरोपी के पास से तलवार, गुप्ती, लोहे के रॉड समेत अन्य सामग्री जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत सोमवार की रात बेलतरोड़ी गांव की ओर से शंकरपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर सुनसान पड़ी इमारत में कुछ लोग डकैती या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इस बात की जानकारी बेलतरोड़ी पुलिस को दी गई। मूलचंद बावनकर के घर किराए से महारुद्र नगर बेलतरोड़ी निवासी बहलराम शाहू जय हिंद सोसाइटी निवासी श्याम नगर पावर हाउस के सामने मनीष नगर निवासी राजेंद्र राम प्रसाद लांजेवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला है। आरोपियों के पास से तलवार, लोहे की रॉड, गुप्ती, कोयता समेत अन्य सामग्री जब्त की गई। पुलिस द्वारा विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना शंकरपूर रोडवर चार पाच लोक हातात शस्त्र घेऊन संशयास्पदरित्या फिरताना मिळून आले। त्यांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना पकडलं, तर त्यातले चार लोक पकडले गेले, एक दोन लोक त्यातून पळून जाण्यात यशस्वी झाले। तर ते चार लोक जे पकडले त्यांच्याकडून तलवार, चाकू आणि बरेचसे शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहे आणि त्याचा तपास सुरू आहे। सध्या संदीप कौशिक, दीपक बिलोने, दिलीप शाहू आणि राजेंद्र लांजेवार हे चार आरोपी आमच्या ताब्यात आहे, तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपूर।